उत्तराखंड और गोवा में चेहरे पर सस्पेंस खत्म होने के बाद अब यूपी में मंत्रिमंडल के चेहरे पर पूरा फोकस है। मणिपुर में बीरेंद्र सिंह ने सीएम पद की शपथ ले ली है। उत्तराखंड में बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। वहीं गोवा में प्रमोद सावंत पर पार्टी का भरोसा कायम है। मणिपुर में एक बार फिर एन बीरेंद्र सिंह ही मुख्यमंत्री होंगे। इस बीच पूरी सियासी रसाकसी का फोकस अब यूपी पर है। यूपी के मंत्रिमंडल की तस्वीर को समझने के लिए उत्तराखंड में अपनाई गई बीजेपी की सियासी रणनीति समझने की जरूरत है। उत्तराखंड से सीएम पुष्कर खटीमा से अपना चुनाव हार गए थे, उसी तरह यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी सिराथू से अपना चुनाव हार गए थे। अब धामी की किस्मत चमकी है तो इस पर तर्ज पर मौर्य को भी अपना ताज बचाने की गुंजाइश दिख रही है। शायद इसी खुशी में केशव प्रसाद मौर्य ने ही ट्वीट करके धामी को सबसे पहले बधाई दी। वैसे उत्तर प्रदेश में नई सरकार का समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है। अमित शाह यूपी की नब्ज को अच्छी तरह समझते हैं और बीजेपी सूत्रों की माने तो इस बार का मंत्रिमंडल ऐसा होगा जो बीजेपी को आने वाले 2020-25 सालों तक यूपी की सत्ता में स्थापित कर देगा। मंत्रिमंडल चुनने में बीजेपी का फोकस हर पहलू पर है। जातिगत समीकरण, शैक्षणिक और प्रोफेशनल योग्यता, विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट जैसे कारक मंत्रिमंडल को चुनने के पीछे अहम हो सकते हैं। नेक्स्ट 9 नेशन की रिपोर्ट।